हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे कैश बुक। कैश बुक का एक एग्ज़ाम का समय है आपके लिए। हमने कैश बुक की सारी एंट्रीज देख ली, कॉन्ट्रा एंट्री, ये सब मैंने एक सम भी करा दिया। आज एक एग्ज़ाम का समय, छोटा सा समय, देखते हैं ये सम क्या बोलता है। ओके, ईच एंड एवरी वन। मनदीप, अ ट्रेडर हु मेंटेन्स अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड इंक्लूडिंग 3 कॉलम कैश बुक। सबको ये बातें समझती है। इस ट्रांजेक्शन फॉर डिसम्बर 2016 इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला, अब लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंप्लीट मनदीप कैश बुक ऑन द पेज ऑपोजिट। ये आपके एग्जाम का समय, तो मतलब है ना, आपको एग्जाम में पहले से फॉर्मेट बनाया हुआ दिया है, और उसने बच्चे लोग क्वेश्चन में पहले से ओपनिंग बैलेंस दिया। क्या दिया? ओपनिंग बैलेंस। देखो, मनदीप कैश बुक, डेट, डिटेल, डिस्काउंट अलाउ, कैश बैंक, सबको पता है। अब कैश का बैलेंस डेबिट में दिया है और बैंक का बैलेंस क्रेडिट में दिया है, मतलब इट इज इंप्लाइड ये बैंक क्या है, ओवरड्राफ्ट। सबको याद है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार आता है, कैश डेबिट बैलेंस भी दे सकता है कि क्रेडिट बैलेंस दे सकता है। नहीं, कैश हमेशा डेबिट बैलेंस देगा, बैंक डेबिट भी दे सकता है, क्रेडिट भी दे सकता है। सबको समझता है, यस और नो, ईच एंड एवरी वन? चलो ठीक है, मतलब याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए कैश हमेशा डेबिट बैलेंस देगा, बैंक डेबिट भी दे सकता है, क्रेडिट भी दे सकता है। ओके बच्चे लोग, आगे बढ़ेंगे, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पेड, पहले तो आप स्मार्ट बन जाओ। मैंने आपको एक रूल बताया, लॉजिक बताया, पेड मतलब पैसा गया, रिसीव मतलब पैसा आया। तो कैश बुक का सिंपल सा रूल है, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। राइट हैंड साइड क्रेडिट है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है। ओके, पेड $387 बाई चेक। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सम है ना, ऐसा ही सेम सम एग्जाम में 2 बार आ चुका है, सिर्फ अमाउंट चेंज था। पेड मतलब पैसा गया बाई चेक, चेक मतलब कहाँ पे आएगा, बैंक, फॉर रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट। पहले तो बताओ $387, तारीख क्या है, 4, सबको समझता है, ईच एंड एवरी वन, तारीख क्या है, 4। ओके, तो 4 तारीख को पेड मतलब पैसा गया, क्या खरीदा हमने, ऑफिस का, अच्छा ऑफिस का क्या खरीदा बच्चे लोग, ऑफिस का इक्विपमेंट खरीदा, बराबर है कि नहीं। और चेक से पेमेंट हुआ तो कहाँ पे आएगा, बैंक में, 387। सबको समझता है, यस और नो, पेड मतलब पैसा गया बराबर, और हमने क्या खरीदा, इक्विपमेंट, पहला एंट्री हो गया। नेक्स्ट, रिसीव अ चेक, ध्यान देना, फ्रॉम जाबिन टू सेटल इज अकाउंट ऑफ $300। तो मतलब जाबिन नाम का व्यक्ति से मुझे $300 लेना है, उसने मुझे क्या दिया, चेक दिया, पर चेक 300 का नहीं है, लेस 2% कैश डिस्काउंट। देखो फिर से पढ़ो, हमको जाबिन से चेक मिला, अकाउंट सेटल हुआ, तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में क्या आता है, डिस्काउंट। सबको समझता है, ईच एंड एवरी वन, यस और नो? रिसीव अ चेक फ्रॉम जाबिन टू सेटल इज अकाउंट ऑफ $300 लेस 2% सीडी। ये तो 300 का 2% कितना हो जाएगा, $6। सबको समझता है, 300 का 2% $6, मतलब $6 डिस्काउंट है, तो उसने अपने को चेक कितने का दिया रहेगा, 294, 300 माइनस 6, यस और नो? सबको समझ आया, रिसीव मतलब पैसा आया, हाँ के ना? कभी आया पैसा, 11 तारीख को, किससे आया, जाबिन से, यस और नो? डिस्काउंट कितना था, सब लोग बोलो $6, और चेक है तो कहाँ पे आ जाएगा, बैंक, 294। क्या आपको मेरी ये सब बातें समझती है बच्चे लोग? आराम से सिस्टमेटिक जाना है, एक एंट्री पढ़ना है, आंसर करना है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। अब सुनो, ये इंटरेस्टिंग है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं। पेड अ चेक $702, वर्डिंग्स में देखो फर्क है, हमने चेक पे कर दिया, कितने का चेक है, 702 टू रमा आफ्टर डिडक्टिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5%। अब यहां खतरा है, क्योंकि हमको डिस्काउंट का अमाउंट भी फाइन करना है। हम 702 का 2.5% ले सकते नहीं है, पहले मेरी बात समझो। पेड अ चेक मतलब चेक कितने का बन गया, $702 टू रमा आफ्टर डिडक्टिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5%। मतलब समझो, फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपसे 100 रुपीज लेना है, एग्जाम्पल, आपने 2.5% सीडी, 2.5% मतलब 2.5 हुआ, 100 का 2.5, तो फाइनल आपने मुझे पैसा कितना दिया, 97.5, मतलब 100 रुपीज लेना था,
फिर सीडी माइनस करके फाइनली आपने मुझे चेक कितने का दिया, 97.5, यस और नो, पहले तो बोलो हाँ के ना। तो ये जो 702 है वो डिस्काउंट काट के आया है, तो वो कौन सा अमाउंट है, 97.5, बराबर है कि नहीं। तो अब हमको 100 क्या करना पड़ेगा, फाइन करना पड़ेगा। सबको समझते हैं हमको इसमें उल्टा जाना पड़ेगा, लगता है इजी है पर है डिफिकल्ट। सुनो फिर से, पेड अ चेक $702 टू रमा, हमने चेक कितने का बना दिया, 702 का बना दिया चेक, आफ्टर डिडक्टिंग अ कैश डिस्काउंट। भाई 3 कॉलम कैश बुक है तो मुझे डिस्काउंट का अमाउंट बच्चे लोग फाइन करना पड़ेगा। आप समझो बहुत लोग क्या गलती करते हैं, 702 का 2.5% लेते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, ये जो 2.5%, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो 702 है वो माइनस करके आया है। तो समझो सिंपल सा एग्जाम्पल, मुझे आपसे 100 रुपीज लेना है, उसमें 2.5 क्या हो गया माइनस, तो जो अमाउंट है 90, जो चेक बना है वो कितना है 97.5, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सुनो 100 माइनस 2.5 कितना होगा 97.5, तो 97.5 कितना है $702, तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या फाइन करना है 100, तो 100 इंटू 702 इंटू 100 डिवाइड बाई 97.5। पर पॉइंट को हटाने के लिए, पॉइंट को हटाने के लिए मैंने ऊपर एक जीरो क्या ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया, सबको समझता है। तो इधर 97.5 के बदले क्या आ गया 975, सबको समझा। अब टेबल करते हैं, 5 5 1 5 2 10, 5 200, 5 195, फिर से 5 के टेबल से डिवाइड किया तो 5 40 200, 5 39, फिर 39 1 39 18। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको फाइनल आंसर क्या आया, 18 into 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं 720। कितना हो जाएगा बच्चे लोग 720, सबको समझता कर लेते हैं, 40 into 18, मतलब शॉर्टकट कर लेते हैं, 4 8 32 बराबर 720। ओके तो 720, अब 720 का 2.5% निकाल सकते हैं ईच एंड एवरी, या सिंपल दोनों को माइनस कर सकते हैं। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आया 18। तो अब इसी के साथ हमको डिस्काउंट कितना मिल गया 18। ये वर्किंग नोट बनाने का मेरा मेन मकसद ये था, मुझे डिस्काउंट फाइंड करना है। बहुत लोग क्या करते हैं डायरेक्टली 702 का 2.5% लेते हैं तो वो आंसर क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सबको मेरी बातें समझती है ईच एंड एवरी वन, हमको चेक मिला है कि हमने दिया है पेड अ चेक, हमने चेक दिया किसको दिया है, रमा को दिया है। 15 तारीख की बात है, हमने रमा को चेक दिया है, तो चेक का अमाउंट तो मेरे पास था 702, मुझे कैश डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड करना था जो कितना मिला मुझे 18। सबको समझा क्रॉस मल्टीप्लाई, यस और नो, 100 माइनस 2.5 कितना है 97.5, तो 97.5 702 है तो 100 कितना, ये मैंने आपको वर्किंग नोट बताया, यस और नो। सबको ये बातें समझती है हाँ के ना, कोई प्रॉब्लम बच्चे लोग नहीं, चलो आगे बढ़ेंगे। पेड रमा को दिया, ये वाला एंट्री भी हो गया। अब क्या लिखा है, मेड कैश सेल्स 27 6 7 9 5, 27 को कैश सेल्स किया 6 7 9 5, कोई डाउट नहीं, ये तो इजी था। कैश सेल्स किया तो पैसा आया हाँ के ना बच्चे लोग, पैसा आया तो डेबिट, को एक ही मंत्र है इस चैप्टर का, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। सबको इधर तक समझा, यस और नो। अब क्या लिखा है, विड्रू कैश $5,000 फॉर पर्सनल यूज, सबको समझता है हाँ के ना, पर्सनल यूज मतलब पैसा निकाला तो कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट। डेट क्या है, डेट भूल जाता हूं मैं बच्चे लोग, 29th, तो इधर 29th को मैं लिख दूं ड्रॉइंग्स, विड्रू कैश है तो कौन से में आएगा, कैश में आएगा, कितना 5,000। सबको ये बातें समझती है, सारी एंट्री पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वेश्चन में दिया था, फिर 4 तारीख को हमने इक्विपमेंट खरीदा चेक से दिया, 6 तारीख को जाबिन ने हमको पैसा दिया, सबको समझता है। ये वाला इंटरेस्टिंग था बच्चे लोग, रमा वाला एंट्री स्टार मार्क करना, ये काफी इंटरेस्टिंग था। बहुत लोग क्या करते हैं 702 का 2.5% लेते हैं, यस और नो यार। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग, बी कॉन्फिडेंट, एकदम परफेक्ट, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। ओके अब आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी स्टार मार्क कर देना। अब लास्ट एंट्री क्या बोला है, पेड ऑल द कैश इनटू द बैंक एक्सेप्ट $200। पहले तो इसका मतलब समझना पड़ेगा, ये क्या बोल रहे हैं पता है। अब सब कुछ हो गया, अब हमको क्या करना है, टैली करना है, क्या करना है टैली, सबको समझते हैं। अभी हम लास्ट में क्या करेंगे, टैली करेंगे। तो मैं आपको परफेक्ट बताऊं, सुनो, कैश
कैश का टोटल कितना आ रहा है, सब लोग इधर सुनो, मैं रफ में कर लेता हूं, 6795 प्लस 150, सुनो, 6 डेबिट का टोटल कितना है, 6795 प्लस 150, 5 10 14 ये 9, 6945, ये कैश के डेबिट का टोटल है। बच्चे लोग देखो, आपको नहीं तो लगेगा कहां से आया, ये कैश के डेबिट का टोटल है और कैश के क्रेडिट में एक ही एंट्री क्या है, 5000। तो नॉर्मल सम होता तो 1945 मेरा क्या होता, बैलेंस कैरी डाउन, सबको समझता है। पर अब देखो बच्चे लोग, इसने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है, देखो एक क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, पेड, इसलिए 10 मार्क देगा, पेड ऑल कैश इन द बैंक, मतलब मैंने सारा पैसा बैंक में डाल दिया, $200 को छोड़ के, सुनो तो $200 को छोड़ के मैंने सारा पैसा, मतलब 200 मैंने मेरे पास रखा, तो मैं उसको बोलूंगा बैलेंस कैरी डाउन, और जो बच गया, बच कितना गया, 1745। देखो मेरे पास इतना बच रहा था, उसमें से 200 मैंने मेरे पास रखा और बाकी का मैंने बैंक में क्या करा दिया, जमा करा दिया, और बैंक में जमा कराएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट याद करो, मेरे पास से पैसा गया और पैसा कहाँ गया, बैंक में गया, सबको समझता है, ईच एंड एवरीवन, 1745 यस और नो। देखो मैंने बैंक में पैसा जमा कर दिया, 31st की बात है, तो इधर क्या आएगा, कैश, और बैंक में पैसा मिला, कितना मिला, 1745, बैंक कॉलम में 1745 आया और कैश कॉलम से पैसा गया, बराबर है कि नहीं, कितना गया, 1745, और 200 हमने हमारे पास रख दिया, तो टोटल कितना था, टोटल हमने वहां पे किया था ना, ईच एंड एवरी, टोटल कितना हुआ था, 6945, सबको समझता है, ये टोटल कितना है, 6945, हाँ के ना, 6945 में से एक्चुअली देखा है तो 5000 गया, तो 1945 बचा, 1945 में से 200 हमने हमारे पास रखा और बाकी हमने बैंक में जमा करा दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको समझा, तो ये क्या है 31st को, ये क्या है 31st को, बैलेंस कैरी डाउन, बराबर है कि नहीं, कितना है कैश में, कितना है 200। अब वैसे ही बैंक का टोटल करो, बैंक का टोटल ये कितना, अच्छा बैंक का क्रेडिट ज्यादा है, बराबर है कि नहीं, क्रेडिट ज्यादा है, 7+2 9, 8+16 17 7 10 11 16, 3679, 3679, बराबर है कि नहीं, और 31st को बैंक का बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन 3679 में से ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा, थ्री, सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं ये, 3679 माइनस ये 1945 प्लस 294 9 13 10 2039, बराबर है क्या नहीं बच्चे लोग, यस और नो, 0 7 माइनस 3 4 6, तो मेरे हिसाब से 1640 आएगा, कितना आएगा 1640, और जो बैलेंस कैरी डाउन है नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा, जैन फर्स्ट को बैलेंस क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन, ये तो आपको पता है कि नहीं पता है बच्चे लोग, हाँ के ना, तो कैश कितना आ जाएगा 200, हाँ के ना, और ये बैंक कितना आ जाएगा, इधर डेट क्या है बच्चे लोग, जैन फर्स्ट बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन, बच्चे लोग समझ रहे हैं कि नहीं, 1640, हाँ के ना, यस और नो। देखो मेरे हिसाब से तो भी अगर आपको फोकस करना हो तो ये दो एंट्री पे फोकस करना, कभी कभी धोखा मत खाना, पेड अ चेक $702, मतलब चेक कितने का है 702 टू रमा आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब ये जो 702 है वो 100 नहीं है, वो 97.5 है, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्काउंट फाइन करना पड़ेगा, और ऐसी सब एंट्री में भी ध्यान रखने का, पेड ऑल कैश इन बैंक एक्सेप्ट 200, मतलब कैश जितना भी बचा उसमें से 200 हमारे पास रखा, बाकी हमने बैंक में जमा करा दिया। होप्स आपको ये एग्जाम का सम समझाओ, ये दो बार आ चुका ऐसा सेम सम। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चे लोगों।